दुनिया में किस मोबाइल गेम को सबसे ज्यादा खेला जाता है? यह दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर। और रोबोट से आम व्यक्ति को क्या नुकसान है? दोस्तों वीडियो तो बहुत ही खतरनाक है, तो वीडियो को अभी लाइक कर देना। पाक नंबर 9। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब हवा भी बिकना शुरू हो गई है। दिल्ली में अशुद्ध वातावरण के चलते वहाँ एक ऑक्सीजन बार खोला गया है। इस बार में 300 रुपए में आपको 15 मिनट तक ऑक्सीजन दी जाएगी। इस स्थिति से पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में प्रकृति का कितना बुरा हाल होने वाला है। पाक नंबर 8। क्या आपको पता है कि दुनिया में किस मोबाइल गेम को सबसे ज्यादा खेला जाता है? अगर आपका जवाब पबजी है तो आप गलत हो, क्योंकि नोकिया मोबाइल में स्नेक गेम को सबसे ज्यादा खेला गया है। इस गेम को अब तक 1 अरब लोग खेल चुके हैं। पाक नंबर 7। आपको जानकर अजीब लगेगा कि एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपरथायमेसिया। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त बहुत मजबूत हो जाती है। इस बीमारी में इंसान को हर छोटी सी छोटी घटना याद रहती है, और यह बीमारी दुनिया में सिर्फ 25 लोगों को है। पाक नंबर 6। स्विट्जरलैंड में आत्महत्या करने में मदद करने वाली मशीन को मंजूरी देती है। यह मशीन मात्र 1 मिनट में आत्महत्या की प्रक्रिया को पूरी कर देती है, जिसमें इंसान 1 मिनट में बिना किसी दर्द के मर जाता है। साइंस की ऐसी तरीके क्या काम की जिसमें व्यक्ति को जीना नहीं बल्कि मरना सिखाया जाता है। पाक नंबर 5। आपको पता नहीं होगा लेकिन भूत आपको मार नहीं सका, लेकिन वह आपका उपयोग आपकी जान लेने में कर सका है। पाक नंबर 4। दोस्तों आपको पता नहीं है लेकिन आने वाले समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ने वाली है क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन के कारण 2023 तक 30 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी, जिसमें कंपनियों की करोड़ों सैलरी बच जाएगी। लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि आने वाले समय में रोबोटों की इतनी संख्या होने वाली है कि लोग बेरोजगार होंगे ही। पाक नंबर 3। क्या आपको पता है कि अगर आप पुणे में गुटखा खाकर कहीं भी थूक देते हो आपको हिसाब करना पड़ेगा? ऐसा पुणे का कानून है। इस बढ़ते प्रदूषण में पुणे सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है। पाक नंबर 2। आप जो इस फोटो में देख रहे हो यह एक कंप्यूटर है। यह इतना छोटा है कि इसके सामने चावल भी बहुत बड़ा लगता है। और कमाल की बात तो यह है कि यह चलता भी है। इसको चलाने के लिए एक सोलर सेल का इस्तेमाल किया जाता है, और यह दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है। पाक नंबर 1। दोस्तों आपको पता है कि आज के समय LED बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ समय पहले इस बल्ब का इस्तेमाल किया जाता था। और आपने नोटिस किया होगा कि आज के समय केवल LED का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह बल्ब LED के मुकाबले काफी ज्यादा बिजली खाता है, और LED बल्ब को खराब होने पर सही किया जा सकता है, लेकिन इस बल्ब को खराब होने पर फेंकना ही पड़ता है। इसलिए आपको ज्यादातर LED बल्ब ही दिखाई देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।